हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और नेटवर्क कंपोनेंट्स की जो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ किया जाता है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिल्टर्स से। देखिए, ये फिल्टर जो होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट है और इसको जो हम ऑलमोस्ट सारे ही कंप्यूटर नेटवर्क में इसका यूज़ होता है। तो वी स्टार्ट विथ फिल्टर टूडे। फिल्टर्स, देखिए फिल्टर क्या होता है। फिल्टर सिंपली एक्चुअली होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में कि जितने भी डेटा पैकेट हम ट्रांसमिट करते हैं दे आर नॉट इक्वल, सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। इफ योर नेटवर्क इज टू बी केप्ट सिक्योर इट इज ऑफन एसेंशियल दैट सम फिल्टरिंग टेक्स प्लेस। मतलब किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो सब इक्वल साइज के नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है तो क्या करना होता है कि उन डेटा पैकेट्स की फिल्टरिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इफ़ एनी स्टाफ विश टू वर्क फ्रॉम होम विद दियर लैपटॉप्स एंड दे नीड टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम विद इन द कंपनी नेटवर्क, इन दैट केस ए फिल्टर वुड बी सेटअप दैट एक्सेप्ट डेटा पैकेट्स कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। अदर फिल्टरिंग रूल्स वुड ब्लॉक अनवांटेड पैकेट्स ट्राइंग टू कम इन। मतलब कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि से ये कंपनी का कंप्यूटर है, ठीक है, ये सपोज कीजिए कंपनी का कंप्यूटर है। अब कोई अगर स्टाफ है कंपनी का वो जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ठीक। तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ से अपना कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू डेटा जो है कंपनी, ये कंपनी का पीसी है, आप ये समझ लीजिए, ठीक। तो अपना जो भी ये काम कर रहा है वहाँ से ये काम करके अपना डेटा कंपनी को भेजेगा प्रोसेस करके, या कंपनी के कंप्यूटर में कोई फाइलें वगैरह है तो उसको ये एक्सेस करना चाहेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी स्टाफ जो है वो कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कुछ पर्टिकुलर फाइल या कंपनी के कंप्यूटर में कुछ ऐसे फाइल होंगी जिनको जिसका एक्सेस जो है हर आदमी को नहीं दिया जा सकता है। तो क्या करते हैं कि इनके बीच में एक यहाँ पे इस नेटवर्क में यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। वो फिल्टर क्या काम करता है, वो फिल्टर ये काम करता है कि दैट फिल्टर वुड बी सेटअप दैट एक्सेप्ट डेटा पैकेट्स कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। तो ये फिल्टर क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर लैपटॉप से ही जो डेटा आ रहा है उसी को कंपनी का कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, और अगर और कोई और किसी कंप्यूटर से कोई डेटा आ रहा है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, ठीक। तो फिल्टरिंग का काम ये होता है। ए फिल्टर कैन बी ए मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब फिल्टर में कैसे बनता है फिल्टर, तो उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट भी होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। इन दोनों को मिला के एक फिल्टर तैयार किया जाता है जो कंपनी नेटवर्क में और किसी दूसरे कंप्यूटर में जिससे उसको डेटा का आदान प्रदान करना है उसके बीच में ये फिल्टर लगा दिया जाता है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ए फिल्टर कैन ऑल्सो प्रिवेंट डेटा पैकेट्स फ्रॉम लीविंग द कंपनी नेटवर्क। तो वही दोनों चीज़ें हैं, मतलब अगर अनवांटेड पैकेट इसके अंदर आ रहा है उसको भी ब्लॉक कर देगा, और मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऐसा डेटा एक्सेस करना चाह रहा है जो जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है तो वो डेटा भी इस फिल्टर से पास नहीं हो पाएगा। तो दोनों तरफ से ही सिक्योरिटी प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल ए रूल कुड बी सेटअप दैट ओनली अलाउज एन ऑथराइज सर्वर विद इन द नेटवर्क टू सेंड डेटा आउटसाइड द लोकल नेटवर्क। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये किसी कंपनी का नेटवर्क है, इसमें कई कंप्यूटर आपस में इसमें क्या है कि कई कंप्यूटर आपस में जो है जुड़े हुए, ये कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इस कंपनी नेटवर्क से हमको डाटा बाहर भेजना है, तो जरूरी नहीं कि हर कंप्यूटर बाहरी बाहरी नेटवर्क से बाहर के वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। कोई एक ऑथराइज्ड यूजर होगा, ठीक है,
जिसपे फुल सिक्योरिटी होगी, केवल वही ऑथराइज होगा यहाँ से डेटा बाहर भेजने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसका, फायरवॉल का। तो ये मेन काम होता है फिल्टर का कि जो भी अनऑथराइज डेटा पैकेट्स का इनकमिंग या आउटगोइंग है उसको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड कंपोनेंट पे आज के, दैट इज कॉल्ड गेटवे। गेटवे क्या होता है, गेटवेज, गेटवे क्या होते हैं, देर आर मेनी डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इन यूज टूडे। फॉर एग्जाम्पल, द लार्ज इंटरनेट कंपनी कॉल्ड AOL हैज इट्स ओन स्पेशल ईमेल प्रोटोकॉल। इफ योर कंप्यूटर डज नॉट यूज द AOL प्रोटोकॉल, देन हाउ यू विल गेट दैट ईमेल विच हैज सेंड बाई योर फ्रेंड बाई AOL। तो इसमें क्या होता है, गेटवे का काम क्या होता है, ये मोटा मोटा क्या कह रहा है कि आज के समय में डिफरेंट नेटवर्क जो है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, ये दूसरा तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क है और ये आप है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मान लीजिए हमने कहा से नेटवर्क वन, नेटवर्क टू, नेटवर्क थ्री, ठीक है। अब यहाँ इनसे आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब मान लीजिए नेटवर्क वन जो है कोई और प्रोटोकॉल, सपोज कीजिए AOL प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, नेटवर्क टू कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, नेटवर्क थ्री कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। अब आपके पास ये जो पर्सनल कंप्यूटर है, आपके पास ये AOL प्रोटोकॉल आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास नहीं है। तो अब अगर यहाँ से कोई मेल आती है तो वो मेल आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसी को दूर करने के लिए गेटवे यूज़ किया जाता है, इसी को दूर करने के लिए गेटवे यूज़ किया जाता है। तो यानी गेटवे का मेन काम क्या है कि गेटवे कन्वर्ट्स द डाटा पासिंग बिटवीन डी सिमिलर नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क सो दैट ईच साइट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू द करेक्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल। मतलब गेटवे का काम क्या होता है कि देखिए जैसे इसके और आपके बीच में एक गेटवे ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, ये गेटवे लग जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए ये इसकी हम बात कर रहे थे, ये अगर AOL प्रोटोकॉल यूज कर रहा है उसमें मेल भेज रहा है और आप मान लीजिए कोई और प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो इस मेल को वो उस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देगा जिसमें आप यूज कर रहे हैं। फिर अगर आप कोई मेल भेज रहे हैं तो आप जिस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं उसको ये गेटवे क्या करेगा, AOL प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेन काम होता है गेटवे का, टू कम्युनिकेट बिटवीन, इसको आप लिख सकते हैं कि टू विद द हेल्प ऑफ गेटवे कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट प्रोटोकॉल, ये मेन का बिटवीन डिफरेंट प्रोटोकॉल, ये काम होता है स्पेशली गेटवे का। अब गेटवे कैसे बनता है, तो गेटवे भी जैसे अभी उन्होंने फिल्टर पढ़ा था, गेटवे इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अनलाइक ए स्टैंडर्ड ब्रिज विच सिंपली ज्वाइंस टू नेटवर्क टूगेदर दैट शेयर द सेम प्रोटोकॉल। जो ब्रिज हम लोगों ने कल वाले वीडियो में पढ़ा था उसमें क्या होता है कि ब्रिज तो दो कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रहती है कि दोनों कंप्यूटर नेटवर्क एक ही प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, सेम सेट ऑफ रूल्स यूज कर रहे हो, सेम स्टैंड अकॉर्डिंग फॉर्मेट यूज कर रहे हो। तो ये तो ब्रिज, यहाँ पे तो ब्रिज काम करेगा, लेकिन अगर इसका प्रोटोकॉल अलग है, इसका सेट ऑफ रूल अलग है, इसका सेट ऑफ रूल अलग है, तो फिर आपको ब्रिज की जगह पे गेटवे यूज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है ब्रिज में और गेटवे में। और थर्ड कंपोनेंट जो है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो थर्ड कंपोनेंट को बोलते हैं रिपीटर, ठीक है। रिपीटर का क्या काम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट है। रिपीटर का जो मेन काम होता है, देखिए जैसे इसका नाम बता रहा है रिपीटर, इसमें क्या होता है कि ऑल सिग्नल्स फेड एज दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ईच टाइप ऑफ नेटवर्क केबल हैज ए मैक्सिमम यूजेबल लेंथ, इफ यू गो बियॉन्ड दैट लेंथ द सिग्नल विल बी टू वीक टू बी यूजफुल, ठीक है। हेंस कंप्यूटर्स ऑन ए रियल नेटवर्क कैन इजली बी मोर देन 200 मीटर्स अपार्ट, देयरफॉर द नेटवर्क केबल इज स्प्लिट अप इनटू सेगमेंट्स।
ईच सेगमेंट इज लेस देन द मैक्सिमम लेंथ अलाउड, ज्वाइनिंग द सेगमेंट्स टुगेदर इज अ डिवाइस नोन एज रिपीटर। यानी सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, रिपीटर वो डिवाइस है जो, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है PC1 और ये है दूसरा कंप्यूटर PC2, ठीक है, ये आपस में केबल से जुड़े हुए हैं, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जो केबल होती है ना, उसकी क्या होता है, किसी भी केबल की मैक्सिमम यूजेबल लेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कंप्यूटर 2 किलोमीटर दूर है तो उनको आपने तार से जोड़ दिया, तो मैक्सिमम यूजेबल लेंथ होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों कंप्यूटर इस लेंथ से ज़्यादा दूरी पे, सपोज कीजिए मान लीजिए किसी कंप्यूटर की, किसी केबल की मैक्सिमम यूजेबल लेंथ 200 मीटर है, ठीक, और ये कंप्यूटर जो है हमने कहा आपस में 500 मीटर की दूरी पे है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर तार तो जुड़ा हुआ है, डाटा आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, केबल्स के थ्रू जब डाटा ट्रेवल करता है तो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के नॉइज सिग्नल की वजह से वो फेड होता है, कमजोर होता है, वीक होता जाता है। तो जो यूजेबल लेंथ होती है यानी 200 मीटर, तो इसमें क्या होगा कि 200 मीटर तक तो वो डाटा यूजेबल रहेगा, समझ रहे हैं, 200 मीटर तक तो वो डाटा अपनी ओरिजिनल क्वालिटी का रहेगा, उसके बाद वो फेड हो जाएगा, और जब फेड हो जाएगा तो जो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी, मतलब डाटा, या साधारण लहजे में आप समझ सकते हैं कि डेटा करप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते, तो फिर आप कहेंगे फिर ट्रांसफर कैसे होगा? ट्रांसफर ऐसे होगा कि जो भी यूजेबल लेंथ है उसके बाद उतने उतने देर दूरी पे एक डिवाइस लगा दी जाती है, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड रिपीटर, ठीक है। इन रिपीटर्स का काम यही होता है कि जो डाटा की और जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, जो उसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है, जो उसकी ओरिजिनल ताकत है, उसको वो दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश कर देता है, ताकि फिर वो आगे 200 मीटर टहल सके और ट्रैवलिंग ना हो, ताकि फिर वो आगे टहल सके और ट्रैवलिंग ना हो। इससे क्या होगा कि जो रिसीविंग एंड पे जो डाटा पहुँचेगा वो वही डाटा ओरिजिनल फॉर्म में पहुँचेगा जिसको भेजा गया था। तो ये काम होता है बेसिकली रिपीटर का। अगर ऐसा रिपीटर आप नहीं यूज़ करोगे तो फिर रिसीविंग एंड पे क्या होगा, रिसीविंग एंड पे आपको डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा। डिस्टॉर्टेड सिग्नल टेक्निकल लोग जानते होंगे, ठीक है, और नहीं तो सीधे सीधे नॉर्मल लहजे में आप समझते हैं, डिस्टॉर्टेड सिग्नल का मतलब ये होगा कि आपको करेक्ट सिग्नल मिलेगा, आपको डिस्टर्ब सिग्नल मिलेगा, ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक। अब रिपीटर बूज द सिग्नल बैक टू इट्स करेक्ट लेवल, यही काम होता है। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर बूस्ट, दोबारा से बूस्ट करता है सिग्नल को, बूस्ट द सिग्नल टू इट्स करेक्ट लेवल, जितना लेवल का होना चाहिए सिग्नल वहां पे, उस लेवल तक, टू द करेक्ट लेवल, उस लेवल तक फिर पहुंचा देता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम कुछ टिपिकल मैक्सिमम केबल लेंथ की बात करें, ठीक है, जनरली जो केबल लेंथ अलाउड होती है, टिपिकल मैक्सिमम केबल लेंथ, तो टिपिकल मैक्सिमम केबल लेंथ जो होती है, अगर हम कॉपर केबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होती है 100 मीटर। अगर हम थिक इथरनेट केबल यूज कर रहे हैं, थिक इथरनेट केबल, तो ये उससे ज्यादा होती है, 500 मीटर तक आप डेटा भेज सकते हैं इससे। और अगर आप थिन इथरनेट केबल यूज कर रहे हैं, थिन इथरनेट केबल, तो आप और दूरी तक, मतलब कि 185 180 सॉरी उससे कम दूरी, 185 मीटर तक आप डेटा भेज सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा दूर तक बगैर डिस्टॉर्शन के आप थिक इथरनेट केबल से भेज सकते हैं, उसके बाद थिन इथरनेट केबल से भेज सकते हैं, और उससे कम, अगर आपको कम दूरी पे भेजना है तो आप कॉपर केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के पिछली 2-3 वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो जो कंपोनेंट्स, जो जो डिवाइसेस यूज होते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अगर कोई और डिवाइस ऐसी है जो इसमें नहीं कवर हुई है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि
जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।